हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ठंडी का स्पेशल लड्डू चावल का कसार का लेके आए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, हेल्दी तो है ही। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चावल का कसार बनाने के लिए हमने चावल के आटे को ऐसे ब्राउन होने तक भून लिया है। बिल्कुल मध्यम फ्लेम पे हमें भूनना है। करीबन एक बैच भूनने में हमें 20 से 25 मिनट तक लग जाता है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने कसार में डालने के लिए मखाने को रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल कुरकुरा हो गया है। और उसमें डालने के लिए हमने लिया है नारियल और छुहारे, तो इसे भी हम मोटा मोटा काटे हैं, पर हम मिक्सर में इसे क्रश करके डालेंगे। चावल के साथ ही हम डालेंगे कुछ किशमिश, तो किशमिश को हम इसी में डाल के भून लेंगे, क्योंकि भूनने के बाद किशमिश का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, कसार में काफी टाइम तक ये अच्छे से रह पाएगा। तो हम 5 से 7 मिनट इसे भून लेंगे। हमने चावल और किशमिश को अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर। अब इसे हम एक बड़ा सा ट्रे में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसी में डाल लेंगे अपना काजू, किशमिश, नारियल, गड़ी, जो भी हमने काटा था ड्राई फ्रूट्स उसको, और साथ में हमने मखाने जो भुने थे उसे भी क्रश किया था तो उसे भी डाल लेंगे। साथ में हम इलायची भी क्रश कर लिए हैं, आप अलग से डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे 4 से 5 चम्मच भर भर के घी। घी से ये बहुत अच्छा सॉफ्ट और सुगंधित तैयार होता है। घी के साथ हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रखे हैं। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर का बुरादा। आप चाहें तो शक्कर को मिक्सर जार में पिक्स कीजिए और डाल दीजिए। इसे भी हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। पे हमने शक्कर भी मिक्स कर रखा है और एक दूसरे बॉल में यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध को गाढ़ा कर लिया है। अब हम 1 चम्मच दूध लेंगे और थोड़ा सा हम मिक्सर में डालेंगे और ऐसे मिक्स करते हुए हम कसार बांधेंगे। को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम एक लड्डू का साई लेंगे और ऐसे दबाते हुए कसार तैयार करेंगे। तो गाइस, ये देख सकते हैं हमारा चावल का कसार तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। इसे हम बहुत से ओकेशन पे बनाते हैं। तो चलिए हम सभी कसार बना के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी कसार बना के तैयार कर लिया है। इसकी खूबसूरती देखिए, खाने में तो हेल्दी और टेस्टी है ही। तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।